हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल फैशन हॉली गरिमास लाइफ एंड वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आज मैं जाने वाली हूँ सावन सेलिब्रेशन के लिए, जो हम करने वाले हैं अपनी कॉलोनी में। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट मैंने इतनी तैयारियाँ की हैं पहले से, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे नहीं पता था कि लास्ट मोमेंट पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने ले ली है अभी मेडिसिन और मैं जाऊंगी। चाहे मैं कैसे भी जाऊं, दवाई खा के जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े। बच्चे गए हैं स्कूल, और जैसे ही मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू विल एन्जॉय द व्लॉग, एंड तक ज़रूर देखना एंड बहुत सारा प्यार देना। तो गाइज, मैंने स्टार्ट कर दिया है मेकअप। चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, और अभी मैंने स्किन प्रेप कर लिया, फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया। तो आपसे मिलती हूँ मेकअप करने के बाद। तो गाइस, मैं कर रही हूँ अभी आई मेकअप, जिसमें मैंने ये वाले कलर से बेस तैयार किया है अपने आईज का, एंड देन फिर मैं उसको ग्रीन कलर से सेट कर रही हूँ। फाइनल लुक आपको पसंद आएगा, जब मैं पूरा रेडी हो जाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ भी। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक जो आप देख रहे हैं। ब्लाउज़ मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर का रखा है, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, और साथ में मैंने एक दुपट्टा कैरी किया है। कैसी लग रही हूँ मैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं कैसे रेडी हुई थी। इस लुक को क्रिएट करने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा, लेकिन जब मैं रेडी हो गई तो मुझे लगा कि जितना 1 घंटा मैंने टाइम लिया वो बिल्कुल ठीक था। तो गाइस, मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, लेकिन बाहर हो रही है तेज़ बारिश, तो थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ कि वेट कर लूँ, उसके बाद चलती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ अभी कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। ये देखिए, बाहर हो रही है बारिश, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। बारिश थोड़ी सी बंद हुई है और अब मैं निकल रही हूँ घर से। सो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूं फंक्शन में, और ये है डेकोरेशन जो हमारी कॉलोनी की लेडीज़ लोगों ने मिलके किया था। हमने फूलों की रंगोली भी बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम सब ने साथ में मिलकर ग्रुप फ़ोटोज़ लिए, और सारी जो सुंदरियां है ना, वो आप देख सकते हैं सब कितने अच्छे से रेडी होकर आई हैं, और सब के सब बहुत प्यारी लग रही थी। वीडियो ना थोड़ा अच्छे से नहीं लिया है, जिसने भी लिया है वो ऊपर वालों को पूरा कट कर दिया है। फिर हमने थोड़े से पोज दिए सावन के लिए, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं हो पाया प्रॉपर। एंड देन इसके बाद फिर हमने थोड़े गेम्स वगैरह खेले, और ये कुछ चना वाला गेम था जो आपको देखकर समझ आएगा। बीच में बैंगल डाल दिया था, और बैंगल के अंदर जितने चने आते ना, वो हम काउंट करके फिर हमने विनर डिसाइड किया था। मैंने इस बीच में पिया था 5 शॉट, क्योंकि सावन थीम हमने रखा था, तो हमने ग्रीन कलर का कुछ ड्रिंक डिसाइड किया था जो कि था 5 शॉट। और फिर हमने वापस से दूसरा जो गेम है वो खेला, उसकी काउंटिंग चल रही है यहाँ पे, और मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि किसने कितना किया है। और फिर इसके बाद काउंटिंग होने के बाद डिसाइड हुआ विनर, मैंने एक गेम जीता और मुझे उसके लिए प्राइज़ मिला, और इसके अलावा मुझे सावन सुंदरी का भी टाइटल मिला। और फिर हमने केक कट किया, केक भी हमने सावन थीम से रिलेटेड बनाया था, तो ग्रीन कलर थोड़ा इसमें डाला था। फिर इवनिंग स्नैक्स हमने एंजॉय किया, क्योंकि दोपहर का फंक्शन था तो शाम हो गई थी। फिर हमने खेला हाउजी, और मैंने एक और आंटी का टिकट लिया था, तो मेरे पास यहाँ पे 2 टिकट्स हैं। और फिर इस बीच में मैंने पी चाय, और चाय पीते पीते हाउजी खेलने में मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर मैं सारे जो नंबर्स हैं वो कट कर रही थी 1 बाय 1, जो भी मेरे टिकट्स में आ रहे थे। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ सावन सेलिब्रेट करने के बाद घर वापस। हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत एंजॉय किया मैंने, और हमने कुछ गेम्स खेले जिसमें मैंने एक गेम जीता। हाँ जी, मैंने एक गेम जीता, बिकॉज जीतना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे सावन सुंदरी का टाइटल भी मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे टाइटल मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी अपने लुक को लेकर। मैंने हर एक चीज़ कोशिश की थी कि मेरा जो ज्वेलरी है, मेरा जो आउटफिट है, वो सब कुछ मैच रहे। मैंने कुछ अलग तरीके से अपनी साड़ी को ड्रेप करने की कोशिश की थी, एंड ब्लाउज़ मैंने कॉन्ट्रास्ट इसलिए रखा था क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना, वो कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ का चल रहा है। और पूरा ग्रीन ग्रीन करने से अच्छा है कि आप थोड़ा अलग सा कलर डाल देते हैं ना, तो वो और अच्छा लुक आता है दिखने में भी, और आप पहनने में भी सुंदर लगता है। तो मैंने थोड़ा अलग कलर का ब्लाउज़ ट्राई किया था, और बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की।
अभी वक्त है थोड़ा आराम करने का और अब हम बाद में मिलते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।